बिल्हा सांस्कृतिक भवन में आज रामनवमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 20 जोड़ी का सामूहिक विवाह किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने सभी नव विवाहित जोड़े को शगुन देकर आशीर्वाद दिए, साथ ही सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत यहाँ 20 जोड़ा पढ़ने से बंधे हैं। मैं नवयुगल को बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान की कृपा उनके ऊपर में रहे, परिवार बहुत अच्छा रहे और अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, यही मैं उनको शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। इस आयोजन के लिए हमारे नगरपालिका सरकारी बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करके बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं। साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेश तिवारी जी, साथ हमारे सतीश शर्मा जी, कोमल ठाकुर जी, अशोक जी, अशोक कौशिक जी और भी हमारे गुप्ता जी जो महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं और जनपद अध्यक्ष हमारे और हमारे सभापति, ऐसे बहुत से लोग हमारे पार्टी के सभाएं और इस कार्यक्रम में भाग लिए और कन्यादान के माध्यम को जो श्रद्धा भक्ति दिए थे। तो इस आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत कुछ लिमिट कर दिया इसका, जब हम लोग की सरकार थे उस समय हम लोग 3100 जोड़ा 4100 जोड़ा का शादी करते थे। बिल्हा में ही हम लोग पूरा मंडी सेट में 100 जोड़ा में शादी कर लेते थे, पथरिया में कर लेते थे। आज मात्र 20 को उन्होंने दिया है। तो पैसा बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन आप देख